चलिए अभी देखते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, ये बोलता है कि इफ आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनेटली एज कंपेयर टू द इंक्रीजिंग इनपुट दैट एग्जिबिट्स इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मतलब कि अगर आपका आउटपुट जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है इनपुट लगाने से ज़्यादा, मतलब जितना जिस रेट पे आपने जितने प्रोपोर्शनेटली प्रोपोर्शन पे आपने इनपुट लगाया है उससे ज़्यादा कहीं रेट से क्या हो रहा है आपका इंक्रीज़ हो रहा है प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन में ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है कंपेयर टू इंक्रीज इन इनपुट। इनपुट मतलब दोनों इनपुट, फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट दोनों, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग रन पढ़ रहे हैं हम लोग। लॉन्ग रन में लेबर और कैपिटल दोनों को बदला जा सकता है, मतलब स्थायी लागत फिक्स्ड फैक्टर को और वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर परिवर्तनशील साधन उत्पादन के इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो दोनों को चेंज करते हैं और उत्पादन क्या होता है, चेंज करने से भी ज़्यादा उत्पादन में जो लेबर और कैपिटल में जो चेंजेस आ रहे हैं प्रतिशत में, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा चेंजेस आता है प्रतिशत में। इसमें आपका उससे कहीं ज़्यादा चेंजेस आता है आपका प्रतिशत में प्रोडक्शन के, ठीक है, प्रोडक्शन के प्रतिशत में कहीं ज़्यादा आपका चेंजेस आता है। जैसे और एक चीज़ हम लोग जानते हैं आइसो कॉन्ट कर्व में, ये जो कर्व है आइसो कॉन्ट, इसका मतलब ये होता है कि सेम उत्पादन, जो उत्पादन जैसे यहाँ पे ये 50 यूनिट का उत्पादन करके दे रहा है, तो ये कर्व ये बताता है कि आप लेबर और कैपिटल का जो भी इकाई जो भी कॉम्बिनेशन बिठाओ जितना भी बिठाओ 50 का 50 यूनिट ही उत्पादन होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे ही एक एक क्वांटिटी मतलब कुछ अनुपात में लेबर और कैपिटल दोनों को बढ़ा देते हैं, जैसे पहले दो लेबर था दो कैपिटल था, अब चार कैपिटल चार लेबर कर देने पर लेबर कैपिटल दोनों बढ़ाए कुछ प्रतिशत में बढ़ा, लेकिन उत्पादन 50 से 130 हुआ तो वो कितना प्रतिशत बढ़ा। ठीक है, ये यहाँ पर हमको देखना है। देखिए पहले जब दो कैपिटल था दो सम था लेबर तो टोटल उत्पाद था 50, अभी कोई परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं। फिर जब अपना लेबर को कैपिटल को दो से चार कर दिए और लेबर को भी दो से चार कर दिए, क्योंकि लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में कैपिटल भी बढ़ाया जा सकता है, मतलब फिट फैक्टर भी बढ़ाया जा सकता है और लेबर भी बढ़ाया जा सकता है ना, तो टोटल उत्पादन में लग गया 130। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि प्रतिशत परिवर्तन कितना आया, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दोनों का ही सेम क्वान्टिटी बढ़ाएँ दो से चार दो से चार, तो दोनों में लेबर और पूंजी दोनों में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 100% फॉर्मूला से निकालिए। और प्रोडक्शन कितना वृद्धि हुआ, 130 - 50/50 इनिशियल वैल्यू आ गया नीचे फॉर्मूला से 160% आया, मतलब फैक्टर और प्रोडक्शन में 100% की वृद्धि की है और उत्पादन में हो गया 160% की वृद्धि। ये अब डेफिनेशन फुलफिल हो रहा है यहाँ पे, मतलब इनपुट को आप जिस प्रतिशत से बढ़ाते हो उसे कहीं ज़्यादा प्रतिशत में उत्पादन बढ़ता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल। ठीक है, अब देखिए पूंजी को 406 कर दिए, श्रम को भी कर दिए 406, ठीक है, तो ये उत्पाद डिस्क्रेडिंग हो गया, ये 200 है ना, ये क्या है 50 नहीं 200 है, तो उत्पाद हो रहा है आपका। वो देखते हैं कि जो जो उत्पादन के साधन है फैक्टर प्रोडक्शन कैपिटल और लेबर में कितना परसेंट का चेंज आया, प्रेजेंट वैल्यू 6 और पहले कितना था 4/4 × 100, तो 2/4 हो गए, 50% वृद्धि किए और लेबर और कैपिटल में, और उत्पादन का परसेंट निकालते हैं तो ये 200 है ना, 50 नहीं है, 200 - 130 / पहले 130 था तो 53%। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि लेबर और इसके प्रतिशत में वृद्धि से ज़्यादा कहीं ज़्यादा उत्पादन प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर आपने प्लॉट करने के लिए हम एक लाइन खींचेंगे, उसको हम कहेंगे स्केल लाइन खींचेंगे, ओ से पी, ये स्केल लाइन है, ये कुछ नहीं होता है, क्या शो करता है, ओनली चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, क्या स्केल में क्या चेंजेस आ रहे हैं प्रोडक्शन की, ये बताता है। जैसे पहले स्केल था 50, अब 130 हो गया,
ना, ये पॉइंट पे काटता है बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं स्केल लाइन, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट पे आके मिल रहा है सभी छह कैपिटल का और छह लेबर का, सी पे मिल रहा है, ये बी पे मिलेगा, ये पे मिल रहा है ना। तो यहाँ पे बुक में दिया हुआ है ओ इस, ये ओ ए की वैल्यू होगी ग्रेटर देन ए बी से और ए बी की वैल्यू होगी ग्रेटर देन बी सी से, ठीक है। तो ये हम लोग का इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जिस प्रतिशत में बढ़ाया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा प्रतिशत में उत्पादन बढ़ के बाहर निकल रहा है, ठीक है।